आज हम बना रहे हैं सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी मूंग दाल के चीले, जो खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं और डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच होते हैं। इसके लिए मैंने साबुत मूंग की दाल को रात भर भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ, दो तीन पानी से हम इसको धोएंगे ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी धूल मिट्टी ना हो। तो आप जितना हो सके इतना अच्छे से इसको धो लीजिए, क्योंकि ये खड़ी मूंग की दाल है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदगी होती ही है। अगर आप चाहें तो मूंग की दाल भी ले सकते हैं, पर खड़ी मूंग की दाल ज़्यादा हेल्दी होती है। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर मैं इसको थोड़ा सा इसका पानी निचुड़ जाए सूखने के लिए ऐसे छोड़ दूँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका पानी ऑलमोस्ट थोड़ा सा निचुड़ गया है और ये ऐसे हो गई है। फिर मिक्सी के जार में आपको इसको पलट लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। और वो चीज़ें क्या होने वाली हैं, वो है लहसुन, चार पांच जब आप लहसुन डाल सकते हैं। मैंने चार पांच जब लहसुन डाले हुए थे। लहसुन के बाद अगर आपके पास अदरक है तो आप वो भी डाल दीजिए लंबा लंबा काट के। धनिया की पत्ती, अगर आपके पास हरे मिर्ची हैं तो आप वो ऐड करिएगा, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने लाल मिर्च ऐड किया है। तो इन चीज़ों को डाल के अगर आप पीसेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट जो उसका फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाता है। इसके बाद हमें इसको अच्छे से पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा ना दरदरा पीसना है इसको। चीले काफ़ी अच्छे बनेंगे आपके। इसको एक कटोरे में आप पलट लीजिए। इसके बाद आपको लग रहा होगा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, तो आप इसमें चाहें तो पानी मिला के भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि चीले बना रहे हैं थोड़ा सा पतला होना चाहिए। फिर स्वादानुसार नमक डाल के आप इसको छोड़ दीजिए, जब तक कि आपको नहीं बनाना है एक घंटे के लिए, आप इसको यूँ ही रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। जो मूंग की दाल है आपकी फूल जाएगी और आपके चीले बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया बिकॉज़ ये गाढ़ा लग रहा था और चीले बनाने के लिए गाढ़ा सही नहीं रहता। अगर मंगौड़े बनाने हैं तो ठीक है, बट चीले के लिए थोड़ा सा बैटर आपका पतला होना चाहिए। तो मैंने मिला के इसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। उसके बाद मैंने अपने बाकी काम कर लिए थे, साइड में इसको रख दिया है। इसके बाद जब मैं किचन में वापस आती हूँ एक घंटे के बाद, तो ये बैटर थोड़ा सा ऐसे हो गया था, फिर गाढ़ा हो गया। फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था, पानी को ऐड करके अच्छे से मिला दीजिए और अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी इसकी कर लीजिएगा जितना आपको चाहिए। मैं थोड़ा सा पतला ही रख रही हूँ, बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे कि चीले फिर हमारे अच्छे से फैलते नहीं हैं। एक तवे में आपको डालना है तेल। अब तवे में तेल डाल के इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ताकि आपका चीला ना चिपके। पर पहला चीला तो चिपक ही जाता है अगर आपका मतलब नहीं है आइडिया अच्छा। तो फिर मैंने इसको अच्छे चम्मच से फैला दिया था और ये इस तरह से कुछ सीख गया है, क्रिस्पी क्रिस्पी दोनों तरफ से। अच्छे से इसको सेक लीजिए, खाइए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, शाम में भी आप बना सकते हैं, प्रोटीन रिच है। तो अच्छा अच्छा बनाओ, अच्छा अच्छा खाओ, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, करके जाइएगा।